कुंडली में यदि मंगल दोष है, घर की सुख शांति समाप्त हो गई है और व्यापार व्यवसाय के साथ ही शादी में भी कई अड़चनें आ रही हैं, तो धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर भगवान मंगल शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जिनका पूजन अर्चन विधि विधान के साथ करने से वह अमंगल को भी मंगल में बदल देते हैं, सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में मंगल दोष की निवृत्ति के लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजन अर्चन के लिए पहुँचते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे भगवान मंगलनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। उज्जैन को पुराणों में मंगल ग्रह की जननी कहा जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, यदि वे अपनी अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजन पाठ करवाने आते हैं तो उनके सर्व संकट दूर हो जाते हैं। मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित दीपेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मंदिर है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित होने के साथ ही देश की नाभि स्थल पर है। मंदिर में भगवान मंगलनाथ शिव की प्रतिमा के रूप में लिंग स्वरूप में विराजमान है। पुजारी ने बताया कि भगवान शिव और पृथ्वी के पुत्र भगवान मंगल देव हैं, जिनका यदि पूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है तो वह कुंडली के सभी अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। पंडित जी ने आगे बताया कि भगवान मंगल को शीतलता प्रदान करने के लिए मंदिर में भात पूजन भी किया जाता है, जिससे कि भगवान मंगलनाथ प्रसन्न होकर सभी भक्तों को अपना आशीष प्रदान करें। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन मंगल ग्रह का जन्म स्थान, भगवान मंगल ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। मंगलनाथ भगवान जो है भगवान शिव के द्वारा उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका पूजन अर्चन जो किया जाता है वो भगवान शिव के रूप में किया जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल ग्रह जो है, और पूरे विश्व में एकमात्र मंगल ग्रह का जन्म स्थान उज्जैन मंगलनाथ मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने अंधकासुर नामक दैत्य को वरदान दिया था, उस दैत्य ने वरदान प्राप्त करने के बाद में तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। जब उस दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी तो ऋषि मुनि गंधर्व और जो है सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास में गए और भगवान से प्रार्थना की कि आपने किस प्रकार का यह वरदान इस दैत्य को दिया। तो भगवान शिव जी ने उस दैत्य को बुलवाया तो उस दैत्य ने भगवान शिव जी को ही युद्ध के लिए ललकार मारी। भगवान शिव जी और अंधकासुर नामक दैत्य का कई दिनों तक युद्ध हुआ और युद्ध होते होते भगवान शिव जी का पसीना पृथ्वी के ऊपर गिरा, उससे धरणी के गर्भ से एक शिवलिंग धड़कता अंगारे के समान एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ और जो उस राक्षस को शक्ति मारी तो उसका जितना भी रक्त गिरा वो सारा उस शिवलिंग के ऊपर आकर के स्वाहा हो गया। इस प्रकार उस राक्षस का अंत हुआ और उस शिवपिंडी का नाम अंगारक मंगल ग्रह रखा गया। इस प्रकार मंगल जो है मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है, जिन जातक की मांगलिक कुंडली होती है वो देश और विदेश से भक्तगण उज्जैन मंगलनाथ मंदिर में आकर के भगवान का शांति विधान करते हैं। इससे विधान से उनके जो भी दोष है वो निवृत्त हो जाते हैं। मंगल को लाल चीज प्रिय है, लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़, तांबा, सोना, लाल पुष्प इसका दान दिया जाता है, दान चढ़ाया जाता है। और जो है मंगल को जो है मंगलवार के दिन यहाँ पे दही और चावल का विशेष श्रृंगारित पूजन किया जाता है। इस स्थान से कर्क रेखा भी होती हुई गुजरी है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल ग्रह,
जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इसलिए जिस भी जातक की पत्रिका में मंगल ग्रह से संबंधित कोई दोष होता है तो वह विश्व के एकमात्र मंगल ग्रह की उत्पत्ति वाले इस मंदिर पर पहुंचकर भगवान मंगलनाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि वे अपने प्रकोप को शांत कर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बैसाख मास में होता है विशेष पूजन। जी हाँ, मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश गुरु ने बताया कि वैसे तो मंदिर में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन मासों में सबसे उत्तम मास यानी कि बैसाख मास में भगवान मंगलनाथ का सबसे प्रिय मास माना जाता है। यही कारण है कि इस मास में भगवान मंगलनाथ का विशेष पूजन अर्चन होता है। देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान मंगलनाथ का पूजन अर्चन करने पहुंचते हैं। बैसाख मास के प्रत्येक मंगलवार को भगवान का विशेष पूजन अर्चन के साथ ही भगवान मंगलनाथ सबका वर्ष भर मंगल करें ऐसी कामना के साथ उनका पूजन अर्चन किया जाता है। आप भी अगर मंगलनाथ भगवान के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप उज्जैन जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।